प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने रविवार को चंपारण धाम में श्री महाप्रभु श्री एवं चंपेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पारित होने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से अपार जन समर्थन और सहयोग मिल रहा है उससे निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा कि क्या भूपेश बघेल जी बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष भरोसे की यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है। शीतल कर हे शिव शंकर, गंगा जल तोला चढ़ाऊं, गंगा जल तोला चढ़ाऊं, जानत होती ही गंगाधर, फिर भाव के गंगा बोहाऊं, फिर भक्ति के गंगा बोहाऊं। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की तरक्की और बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो मजबूर हो रहे हैं इस विषय पर सोचने के लिए, कर क्या पाएंगे ये समय बताएगा। ये भरोसा यात्रा जो अभी तक लगातार कांग्रेस के नेता ये प्रश्न उठा रहे थे कि क्या छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, बाहर के नेता आ रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी को तो ये जवाब देना पड़ेगा कि उनके केंद्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं, क्या भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा समाप्त हो गया है? और ये सही है कि भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा टूट गया है और इसीलिए इनको आज भरोसे की यात्रा निकालना पड़ रहा है। अपार जन समर्थन और सहयोग मिल रहा है जिसकी रिपोर्टिंग आप सब कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का जो उत्साह है, जनता में जो रेस्पॉन्स यात्रा को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। ये 400